नमस्कार दोस्तों। दोस्तों डंकी मूवी के 5वें दिन का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट निकल करके सामने आ चुकी है और वो रिपोर्ट चीख चीख करके ये कह रही है कि जो डंकी मूवी है ये लंबी रेस का घोड़ा होने वाली है और इसका जो अब लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकलेगा ना दोस्तों, उसका अनुमान अभी से कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि जो लंबी रेस का घोड़ा होती है ना, उनका लाइफ टाइम कलेक्शन आप और हमारी सोच से ऊपर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं लूंगा, आपको बहुत छोटी सी मूवी के बारे में बात बताऊंगा जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, डंकी से पहले सैम बहादुर। इस मूवी ने अपने पहले दिन की जो ओपनिंग करी थी 6 करोड़ रुपए से करी थी और इसके सामने एनिमल जैसा तूफान था। और दोस्तों इसका आज की डेट में नेट कलेक्शन 100 करोड़ हो चुका है। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, बस ये हो रहा था कि एनिमल के सामने ये हिट हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों इस मूवी ने जहां अपना पहला वीकेंड क्रॉस करके मंडे को इसने जो कलेक्शन किया था उस मूवी ने, तो उसने साबित कर दिया था कि वो मूवी लंबी रेस का घोड़ा है और उसका मैंने आपको कलेक्शन कई वीडियो में बताया, आप देख भी सकते हैं। और इसका जो डंकी का कलेक्शन निकल रहा है वो भी ये इशारा कर रहा है कि ये भी मूवी लंबी रेस का घोड़ा है। सोचिए दोस्तों, वो अगर 100 करोड़ नेट कलेक्शन कर सकती है 6 करोड़ की ओपनिंग लेके, तो इसने 29 करोड़ की ओपनिंग ली है, ये लाइफ टाइम नेट कलेक्शन कितना करेगी हम आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोचिए एक बार। और वहीं दोस्तों बहुत से लोग अब कमेंट में ये भी कहने आएंगे कि सोमवार था, क्रिसमस डे का टाइम था, तो हॉलीडे था, इस मारे कलेक्शन हो गया। छोड़ दो दोस्तों, आज की बात कर लो मंगलवार की। मंगलवार की जो इसकी जो एक्यूपेंसी अभी सुबह से निकल रही है बुक माई शो में, जो इसके टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये मूवी आज मंगलवार वाले दिन कोई हॉलीडे दे नहीं है। 12 से 13 करोड़ का कलेक्शन करते भय दिख रही, आज भी ये दहाई का आंकड़ा छूते भय दिख रही है। और यकीन मानिए अगर ये दहाई का आंकड़ा छू लेती है, मैं तो 13 करोड़ बोल रहा हूँ, अगर 12 करोड़ भी कर लेती है तो आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि अब ये मूवी लंबी रेस का घोड़ा हो चुकी है। और अब इस मूवी का कलेक्शन कितना होगा ये हम आप सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों अगर हम डंकी मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें, तो इस मूवी ने जहां अपने 5वें दिन सोमवार वाले दिन 22 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन है वो हो गया है 129 करोड़ के लमसम। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों, तो 4 दिन की जो रिपोर्टें थी वो थी 206 करोड़ की। हालांकि अगर मेकर्स की बात करें तो मेकर्स की तरफ से 211 करोड़ की रिपोर्ट आई थी, लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो उनकी तरफ से 206 करोड़ की रिपोर्ट थी। और उसी 206 करोड़ में अगर हम सोमवार वाले दिन का भी कलेक्शन जोड़ दें आपसे, ये मान के चलिए कि इसने सोमवार को 22 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है, तो ये इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लमसम बनता है 44 करोड़, क्योंकि दोस्तों ये मूवी ओवरसीज से भी 20 करोड़ कमाते हुए दिख रही है, जिसकी रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है। और अगर इसमें हम 206 में 44 करोड़ ऐड कर देते हैं तो इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 5 दिन का बनता है 250 करोड़ रुपए। अब मूवी का बजट अब आप चाहें जितना बताओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मुझे इतना तो मालूम है कि 200 करोड़ के ऊपर का तो बजट अब कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इस मूवी का बजट 80 करोड़ से चालू हुआ था, 150 करोड़ में पहुंच गया, अब तो 200 करोड़ में पहुंच गया। लेकिन 200 करोड़ भी हम लेके चलें तो वर्ल्ड वाइड के मामले में तो दोस्तों इस मूवी ने अपने बजट को क्रॉस कर ही दिया है। और नेट कलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यह मूवी लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वहीं अगर हम मेकर्स की रिपोर्ट माने तो मेकर्स के हिसाब से देखा जाए 211 करोड़ है, और 211 करोड़ में अगर हम 44 करोड़ ऐड कर देते हैं तो इसका वर्ल्ड वाइड 5 दिन का बनता है 255 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त काफी शानदार कलेक्शन है। और मंडे और देखा जाए दोस्तों आज मंगलवार से इस मूवी का जो कलेक्शन निकलेगा वो शायद सबकी आंखों की पट्टी को खोल करके रख देगा। और यकीन मानिए इस मूवी ने अगर मंगलवार वाले दिन भी दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर दिया तो हम आप नहीं सोच सकते कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कैसा होगा। और अगर दोस्तों आप मेरी इन सब बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।